आज की वीडियो में बात करेंगे जो चेक इंजन लाइट है यह स्टार्ट करने के बाद भी जलती रहती है, तो उसे कैसे बंद करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देखिए क्या होता है। ये लाइट चाबी ऑन कर दिए तो जलना चालू हो जाएगा, और सेल्फ हम जैसे सेल्फ चालू करेंगे तो कुछ सेकेंड एक सेकेंड के बाद ये अपने आप बंद हो जाएगा। लेकिन अगर इंजन में कोई दिक्कत है, जैसे कि अगर इधर कोई तार लूज हो गया है, चाहे तो कोई भी पाइप लूज हो गई है, तो सेंसर उसे क्या कर लेता है, डिटेक्ट कर लेता है और वो लाइट जलना चालू कर देता है। तो क्या होता है, लाइट जलती रहेगी। अगर स्टार्ट कर देते हैं गाड़ी उसके बाद भी जलती रहेगी। देखिए इंजन में कोई दिक्कत है, अब देखिए चालू कर रहे हैं, लाइट जल रही है। इसका मतलब क्या है, इंजन में कोई दिक्कत है। चलिए कोई बात नहीं, इंजन में दिक्कत है रहने दीजिए, लेकिन हम चाहते इसे बंद कर दें, इसे बंद कर दें। इंजन में दिक्कत रहेगी तभी ये बंद हो जाएगी। देखिए क्या करना है आपको, चाबी को एक बार चालू कर लिए है ना, दोबारा अब इसे हम ऑफ कर लेंगे और फिर से ऑन करके चालू करेंगे। चालू कर दिए दो सेकेंड के लिए, फिर से हम बंद कर देंगे, फिर से हम ऑन करेंगे दो सेकेंड के बाद, और फिर से यहाँ पे हम चालू कर देंगे। अब भी लाइट जल रही है, मतलब ये भी दिक्कत है। फिर से हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। तो कितने बार, तीन बार हो गया ना, अब ये चौथा बार। फिर से हम चाबी को ऑन करेंगे, लाइट जल रही है, अब यहाँ पे सेल्फ मारेंगे। देखिए सेल्फ मारें, लाइट बुझ गई, लाइट बंद हो गई ना। इसका मतलब ये हुआ, अगर कोई भी इंजन में इशू आ जाता है तो आपको चार बार गाड़ी को चालू करना है दो सेकंड के बाद, और बंद करना है चौथा बार। जैसे आप चालू करेंगे अपने आप लाइट बंद हो जाएगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।